वेलकम अगेन। एंड आज मैं ज्वेलरी मेकिंग सिखाऊंगी आपको, बहुत सिंपल ज्वेलरी मेकिंग, एडवांस लेवल, बिफोर एडवांस, प्री एडवांस, वो सब बाद में, बट बिगनर्स लेवल आई वांट टू टीच यू नो इन फ्यू क्लासेस, सो दैट यू नो जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता ज्वेलरी का कैसे बिल्कुल डिजाइनिंग करते हैं या बारीकियों का ध्यान रखते हैं, दैट वी हैव टू टेक केयर, ओके, दैट इज अ फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेरा नाम रश्मि एंड दिस इज अ पंकुड़ी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल, लवली, ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, एंड आई रियली लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, बिकॉज 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 जब तक क्वेश्चन ना हो तब तक हम नहीं जान सकते कि हमें यू नो हम अच्छे टीचर हैं, या जब तक डाउट्स नहीं होते यू नो स्टूडेंट्स के, जो जो अटेंड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, तब तक हम लोग नहीं जान सकते हैं कि यू नो आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। ओके, सो लेट मी, सो मैंने सोचा पर्ल्स हम लोग करते हैं आज, पर्ल्स, और इन पर्ल्स थोड़े नॉर्मल पर्ल्स भी कर सकते हैं, बट जस्ट इन केस मैंने ये छोटा सा एक रेड बीड रखा हुआ है जिससे जिसमें भी व्हाइट है ऊपर, सो दैट थोड़ा सा मैं यू नो ये मेरा अच्छा लगे इसलिए, ठीक है। तो मैं ज्वेलरी मेकिंग के जो जो चीजें हैं मैं आपको यू नो बता देती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ज्वेलरी मेकिंग जब कर रहे हैं तो हमें इक्विपमेंट्स और मटेरियल की जरूरत पड़ती है, सो मैं आपको बता देती हूँ हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो ज्वेलरी मेकिंग के लिए हमें आपको ये बीड्स की जरूरत है, जो जो बीड्स हम लोग यूज करते हैं वो आप खरीद लीजिए, और वो वाले बीड्स हम यूज करेंगे। उसके बाद हमें ये दो प्लायर्स चाहिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यू नो प्लायर्स होते हैं, ये देखिए काफी छोटे प्लायर्स है, मेरे हाथ में लेवल के आ जाएंगे, ये प्लायर्स हैं छोटे, इट्स यू नो इजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन, आप ज्वेलरी मेकिंग प्लायर्स अगर टाइप करेंगे तो आ जाएंगे। इसमें आपको दो मेन प्लायर्स चाहिए, उसमें से एक जो है उसको मैं रख देती हूँ, एक जो है उसको हम कहते हैं फ्लैट नोज प्लायर, क्योंकि यहाँ से फ्लैट है, ये देखिए दोनों जगह से फ्लैट है, इसको हम प्रेसिंग के काम लेके आते हैं, और ये वॉच मेकिंग में भी बहुत यूज होता है। सो ये है फ्लैट नोज प्लायर, NOSE, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और दूसरा जो टूल है हमारे पास वो है राउंड नोज प्लायर, ये देखिए ये यहाँ से फ्लैट नहीं है, ये दोनों जगह से राउंड है, इसलिए इसको हम राउंड नोज प्लायर बोलते हैं, ये हम लोग ट्विस्टिंग के काम इसको हम लेके आते हैं ट्विस्टिंग के, ठीक है। और इसके अलावा ये एक थर्ड टूल है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये इसको कटर कहते हैं, बहुत ये यहाँ से बहुत पेन पॉइंट है, और ये जो इसके एजेस हैं ये बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, और ये स्प्रिंग लगा होता है जिससे ये एकदम हम लोग इसको प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में करनी है तो आप ये वाला प्लायर छोड़ के आप ये दोनों प्लायर्स ले सकते हैं, फ्लैट नोज एंड राउंड नोज प्लायर, और कटर की जगह आप इस तरह की बड़ी कैंची थोड़ी सी यूज कर सकते हैं जिसमें मेटल का एरिया बड़ा हो, इस टाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है, इसको हम लोग कहते हैं टाइगर टेल वायर, क्या कहते हैं, टाइगर टेल वायर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि टाइगर टेल वायर इज अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रांग वायर, एंड ये हम एक्चुअल ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते हैं, दिस इज अ प्रॉपर ज्वेलरी मेकिंग वायर ओनली। तो ये है टाइगर टेल वायर, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, जैसे कि सिल्वर है मेरे पास, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, एंटीक सिल्वर, बहुत से आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक दो टाइप के हुक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसमें, ये देखिए दोनों ही हुक्स आपने देखे होंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको, ये देखिए इसको हम क्लास्प हुक या तो फिर लॉबस्टर हुक बोलते हैं, और इसको हम एस हुक बोलते हैं, ये दोनों ही बहुत कॉमन हुक है, ये आज हम दोनों यूज करेंगे, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये भी आपने जरूरी देखा होगा हुक्स इयररिंग्स के लिए, वो भी यहाँ साइड पे रख देती हूँ, ये देखिए दो, और जिस कलर की वायर है आपके पास उसी कलर के आप लॉक्स और उसी कलर के इयररिंग हुक्स वगैरह रखिए, इसको हम लोग हुप स्टिक्स बोलते हैं, ये दो हुप स्टिक्स है मेरे पास इयररिंग बनाने के लिए। आज की हमारी क्लास में हम लोग एक सिंपल माला और इसके साथ नॉर्मल हैंगिंग हुप वाले इयररिंग्स बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे पास बाकी बीड्स, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम लोग अपने जो इयररिंग्स के लिए जितने भी मोती हैं ये मैं डिवाइड करके अलग रख देती हूँ, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये मैंने 5 हुक्स अलग कर दिए पहले ही अपने इयरिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे इयरिंग्स के लिए जरूरत पड़ेगी। दिस मीन्स आपको अवेलेबिलिटी देखनी है कि आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली ही आप बनाएंगे। माला का साइज आपको देखना है, हर किसी के गले का साइज अलग होता है, तो आप कौन सी माला का साइज क्या रखना चाहते हैं, कई लोग बहुत शॉर्ट माला पहनते हैं गले से लगा हुआ जैसे चोकर होता है, कई लोग मीडियम, कई लोग बहुत लंबा, सो अकॉर्डिंगली आप यू नो देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं अपने गले का नाप ले लेती हूँ, यहाँ पे बहुत सिंपल नाप मैंने ले लिया है, और मैं अब इसको यहाँ से वायर को काट दूंगी, ठीक है। ये देखिए ये पेटेंट साइज मैंने लिया है,
गले का, इसमें हमें कम से कम इतनी जगह चाहिए लॉकिंग के लिए और बाकी का माला बनेगा, तो इसलिए आप हमेशा ज्यादा रखिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी थोड़ी सी टर्न एंड ट्विस्ट और यहाँ वायर हो गई है, तो ये फ्लैट नोज प्लायर को लेके आप जो बेंड है उसको दूसरी तरफ करेंगे, तो ये देखिए आपकी पूरी वायर सीधी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिम्पिंग बीड्स। ये देखिए बहुत छोटे बीड्स होते हैं और ये लॉकिंग के काम आते हैं, क्योंकि ये हमारे जो क्रिम्पिंग बीड्स हैं ये दब जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, इनको हम आराम से प्रेस कर सकते हैं अपने प्लायर्स के साथ, इसलिए हम इनको क्रिम्पिंग बीड्स बोलते हैं, क्योंकि क्रिम्प हो सकते हैं। दे आर वेरी टाइनी बीड्स, ये भी मतलब बहुत कलर्स के आते हैं, सिल्वर, गोल्डन, एंटीक, बहुत कलर्स के आते हैं, और इसमें साइज भी आते हैं, बड़ा, छोटा, मीडियम, बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी चेन्स के लिए वो आता है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग आज लॉकिंग करेंगे, एक साइड लॉकिंग हमने करनी है, क्योंकि हम लोग दूसरी साइड से पिरोना शुरू करेंगे। अगर मेरी वायर्स यहाँ से मैं पिरोऊं और यहाँ से एक दिन एक बार मतलब लॉक ना करूं, तो डेफिनेटली मेरे बीड्स वहां से गिरते रहेंगे। आपको अगर इनके सभी लॉक नहीं करना, तो आप यहाँ पे एक गांठ बांध सकते हैं। तो मैं पहले एक क्रिम्पिंग बीड डालूंगी, ये देखिए मैंने अभी वायर में एक क्रिम्पिंग बीड डाला है, ये देखिए बस। और एक साइड से मैं ये लॉबस्टर हुक डालूंगी, लॉबस्टर हुक में एक हुक बना होता है, ये देखिए ये डाल दिया मैंने इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरह से रोटेट करके वापस क्रिम्पिंग बीड में ये वायर डाल दूंगी, ये देखिए, और मैं क्रिम्पिंग बीड को जितना पीछे हो सकता है मैं खींच दूंगी, और ये देखिए मेरा लॉक रेडी है। और मैंने एक प्लायर बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लैट नोज प्लायर, वो वाला प्लायर हम लेंगे और क्रिम्पिंग बीड को बड़े ध्यान से प्रेस कर, ये देखिए ये हमारा लॉक हो गया। अब ये जो वायर छोटा सा निकल रहा है, आप इसको नेल कटर से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, या इसमें बीड्स डाल सकते हैं। और ये बहुत स्ट्रांग हो गया है गाइस लॉक, बिकॉज ये एक्चुअल ज्वेलरी मेकिंग में भी हम लोग ऐसे ही इसको करते हैं, वेरी वेरी स्ट्रांग लॉक। तो ये मेरी एक साइड की लॉकिंग हो गई है। अब मैं थोड़े से बीड्स ये अलग करना चाहूंगी, ताकि मुझे पता चले मेरे पास ये कितने बीड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इनको आराम से इसको ये देखिए ऐसे डाल दूंगी इसको, टर्न करके वापस क्रिम्पिंग बीट के अंदर, और ये आप खींचोगे तो अपने आप ये आपको अपनी जगह ले जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी बीट आप ठीक कर सकते हो, इसको आप काट सकते हो या किस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया। अब मैं लूंगी प्लायर, कौन सा प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, और इससे इस बीट को दबा दूंगी। एंड रेडी, हमारा नेकलेस इज रेडी, बड़े ध्यान से काटें।
ये देखिए हमारा नेकलेस इज रेडी परफेक्ट, और मैं इसको लॉबस्टर में डाल देती हूँ, ये देखिए ठीक है। ये हमारा नेकलेस वेरी सिंपल बिगनर्स लेवल इज एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है। अब हम इयररिंग बनाते हैं। ये इयररिंग की हुप वायर है, टेढ़ी है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टूल्स हैं, हम लोग सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये और ये भी काफी टेढ़ा है, इसका हुप भी टेढ़ा है, हुप पूरा सर्कल में नहीं है, हम लोग सब अभी सीधा कर लेते हैं। इसका मैं हुप पूरा बना दूंगी, ये देखिए ठीक है। ये देखिए दो वायर्स हैं। अब इसमें हम लोग अपने ये बनाएंगे इयररिंग, सिंपल इयररिंग्स जो कि आई एम श्योर सबके पास है, इस टाइप की इयररिंग जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो खरीद लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये मैंने सिंपल इसमें ये चार बीज डाल दिए हैं। उसके बाद हम जो ये है इसको हम टर्न कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से बीट के अंदर आपने उसको टर्न करना है। मैंने इसको लॉक टाइप कर दिया, देखिए दोनों साइड से ये हुप्स बना दिए। अगर ये आपको थोड़ा टेढ़ा लगता है तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे, चार बीज डालेंगे। गाइस इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर एक में आपने चार बीज डाले हैं तो दूसरे में भी आप चार ही डालोगे, ये देखिए। अगर आपको वायर लंबी लगती है तो आप काट सकते हैं। और अब मैं इसको भी टर्न करूंगी और इसको भी अपने इसके हुक के अंदर मैं डाल दूं, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, बराबर मैंने ये दो लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट, चार चार बीज वाले हुक्स बना दिए दोनों की तरफ। अब हमने इसमें बहुत सिंपल एक काम करना है, ये लगाना है, इसको हम लोग बोलते हैं इयरिंग हुक। बहुत ही ऑर्डिनरी इयरिंग हुक है, सबके पास होता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, मेरे पास सिल्वर है, इसमें गोल्डन भी आता है, काफी कलर्स आते हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें जो है आप देखोगे इसमें एक एरिया जो है लास्ट हुक वो एक खुल सकता है थोड़ा सा, आपको बस देखना है कौन सा एरिया खुल सकता है। ये देखिए दिख रहा नहीं, मैंने थोड़ा सा खोल दिया है। अब हम इसमें ये डाल देंगे और इसको कर देंगे बंद, ठीक है। ये देखिए इसको साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ, ये मैंने एक साइड से खोला, ये देखिए, और मैंने बड़े ध्यान से इसमें ये डाल दिया और इसको कर दिया वापस बंद। अगर आपके पास प्लायर्स नहीं होंगे तो आप वो एक्चुअल यू नो परफेक्ट काम थोड़ा सा नहीं कर पाओगे, इसलिए इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए ये मेरा दोनों इयररिंग्स रेडी हैं, और क्योंकि ये इयररिंग हुक जो है ये बहुत न्यू है, ब्रांड न्यू है, तो आपको आप इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा परफेक्ट इस तरह से, और ये मेरा रेडी, ये मेरा नेकलेस रेडी हो गया, ये मेरा नेकलेस रेडी हो गया, ये देखिए बहुत सिंपल हमने एक एक नेकलेस बनाया है पर्ल्स का, उसमें एक रेड बीट दिया है, बहुत प्रिटी लग रहा है, और बहुत उसके साथ के मैचिंग अच्छी तरह से हमने इयररिंग्स बनाए हैं। इनको हम लोग हुक इयररिंग्स कुछ भी कहते हैं, हुक इयररिंग्स भी कहते हैं, और ये बहुत कॉमन स्टाइल है इयररिंग्स का जो हम सबके पास होता है। इसमें आप रियल पर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, रियल पर्ल्स भी बहुत ही इसमें प्रिटी लगते हैं। रियल पर्ल्स कौन से होते हैं, जिसमें थोड़े से जो डिसफिगर्ड होते हैं, ये तो प्रॉपर राउंड है सारे, बट आप देखें जो रियल पर्ल्स होते हैं वो थोड़े से डिसफिगर्ड होते हैं, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, इस तरीके से। तो आप ऐसे पर्ल्स का बनाएंगे तो बहुत रियलिस्टिक रहेगा। इसमें आप जैसे मैंने वन वायर बनाया टाइगर टेल के साथ, आप टू वायर थ्री वायर भी बना सकते हो, उसमें हम लोग थोड़ा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वन वायर अगर लंबी है, सेकंड वाली वायर थोड़ी सी छोटी होगी, उसकी थर्ड वायर थोड़ी और छोटी होगी, ताकि वो सीढ़ियों की तरह स्टेप्स वाला आए जब हम अपने गले में इसको पहने। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और छोटे ज्वेलरी मेकिंग में गाइस थोड़ी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अब इसमें यू नो मैंने काउंट करके बीज लिए कि जितने मेरे बीज इस एरिया में है, 33, 35, 40, ये मेरा चोकर टाइप बना है। आपको चाहिए थोड़ा और 5-10 बीज डाल के आप अपना पहले साइज चेक कर सकते हैं गले में, सबके गले का साइज भी थोड़ा डिफरेंट होता है, किसी के लंबे गले होते हैं, उस हिसाब से आप अपना ये बना सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 33 या 35 बीज डाले हैं तो इस साइड पे भी मुझे उतने ही बीज डालने हैं। यहाँ पे अगर 33 की जगह आपने 30 डाल दिए, या इवन 32 फॉर दैट मैटर, आपका थोड़ा सा ये डिसफिगर्ड हो जाएगा। तो इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको जरूरत है तो आप आराम से यहाँ पे अभी आप लॉक ना लगाएं, इसको थोड़ा सा ना गांठ बांध दे दोनों साइड से, फिर आप पिरोएंगे तो बिल्कुल आपका ठीक रहेगा ये। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैंने ये बीड नहीं डाला होता, दोबारा बोल रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, बीड नहीं डाला होता तब तो मैं अपने गले का प्रॉपर साइज बनाती, बट हमने ये डाला है इसलिए मैंने 33 बीड इस साइड डाले और 33 बीड इस साइड भी डाले। और ये बहुत सिंपल रखा है, जब भी आप बीड लें
बीड्स लें और थोड़ा सा वेट का ध्यान रखिए। इयररिंग्स आजकल लोग हैवी पहनते हैं, तो इयररिंग्स में यू नो जैसे बच्चों को डालें तो उनके पहले से ही छेद बड़े होने शुरू हो जाएंगे, तो वो उस बातों का उन बातों का हैवी बीड्स ना लें। या फिर अगर आप गले में थोड़ा सा हैवी ले रहे हो, गले में भी ज्यादा हैवी में 1-2 घंटे में दर्द होने लग जाता है, इसलिए आप उस हिसाब से हल्के बीड्स लें। अगर आपने इन केस हैवी बीड्स ले लिए तो उसी के मैचिंग के या कॉन्ट्रास्ट के आप हल्के बीड्स इयररिंग्स के लिए भी ले सकते हैं। तो ये थोड़े से यू नो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमने आज ये बनाया है, वेरी वेरी सिंपल। आप प्लीज कोई भी सवाल हो, यू नो कुछ भी हो मुझसे पूछिए, कोई डाउट है, या रश्मि क्रिम्पिंग बीट कैसे लगाया, या लॉ कैसे किया, मुझे 10 बार और सिखाओ, मुझे नहीं आ रहा है, या मैं घर पे ट्राई करा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या वो वायर नहीं कट रही है, या और कोई वायर है। वायर्स तो बहुत तरह की आती है, कॉटन वायर्स भी आती है जिसमें हम लोग लॉन्ग लॉन्ग यू नो नेकलेसेस बनाते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब बताती रहूंगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान लें। तो आई रियली होप कि आज आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक्स टू द पंखुड़ी टीम अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज आप घर में बनाएं। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, एवरी थर्सडे आई विल बी लाइव एट 10 o'clock, एंड मुझसे पूछिए कि मुझे ये सब करेक्शंस करने हैं। ये परफेक्शन नहीं आई, मेरी परफेक्शन करने में आपको टाइम लगेगा, आप इसलिए बार बार बनाओ, एक वायर ले लो उसको बार बार परफेक्ट करो, फिर वो वाला काट दो एरिया, फिर उसी वायर में वो करो। कृपा करके ज्यादा वायर्स ना यूज करें, उसी में आप प्रैक्टिस करो। यू नो इट्स इट नीड्स टू बी टाइडी, नीट क्लीन, इट नीड्स टू बी दैट। अगर नीट एंड क्लीन होगा तभी आप मार्केट का स्टैंडर्ड यू नो मैच कर पाओगे, और मार्केट का स्टैंडर्ड मैच करने के लिए आपको परफेक्शन की जरूरत पड़ती है ना। ऐसे थोड़ा बैडमिंटन प्लेयर्स वो बन जाते हैं, ऐसे थोड़ा टेनिस प्लेयर्स बन जाते हैं, राइट? ऐसे थोड़ा सूप मेकिंग वाले या कैजुअल मेकिंग वाले बन जाते हैं। बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, गलतियां चाहिए होती है, डाउट्स क्लियरेंस चाहिए होते हैं, और गलतियां बहुत जरूरी है कि इस बार मैंने ये गलती करी है, या 4 बार से मैं ये गलती कर रही हूँ, अब मैं नहीं करूंगी। इन बातों का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्लास, एंड थोड़ा इंटरेक्शन जरूर हम लोग इंजॉय करेंगे एक दूसरे का। आई होप आप इंटरेक्ट करें, आई होप आप ये ट्राई करें, जो भी बीड्स अवेलेबल है आप उनको उनसे माला ट्राई करें, सिंपल इयररिंग्स ट्राई करें।